चुनाव परिणाम आने के बाद से जहां बीजेपी को बड़ा झटका लगा है, तो वहीं अब बीजेपी के नेता ही बगावत पर उतर आए हैं और कह रहे हैं कि हमने ये चुनाव 400 पार या मोदी के नाम पर नहीं, बल्कि 400 पार का नारा तो झूठा था। अगर इस नारे के साथ में चुनाव लड़ता तो मैं हार ही जाता। तो आखिर कौन है वो नेता जिसने खोल दी है मोदी के 400 पार के नारे की पोल? जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है, तो वहीं अब बीजेपी के नेता ही पीएम मोदी की पोल खोल रहे हैं और बोल रहे हैं कि अगर बीजेपी के नारे पर वोट मांगते तो हम अपनी सीट तक नहीं बचा पाते। दरअसल बीजेपी नेता और केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने नरेंद्र मोदी के 400 पार नारे के खिलाफ हमला बोला है। उन्होंने कहा कि 400 पार का नारा झूठा था। टीवी वाले मुझसे पूछते थे कि क्या 400 पार होगा तो मैं कैसे बोलता। राव ने आगे कहा कि यदि देहात के इलाकों में मेरे कार्यकर्ता नहीं होते तो शायद मैं ये चुनाव हार चुका होता। दरअसल राव इंद्रजीत गुड़गांव लोकसभा सीट पर कांग्रेस के नेता राज बब्बर से 80,000 से ज्यादा वोटों से जीते हैं, लेकिन उनकी जीत का अंतर पिछले दो चुनावों से बहुत कम हो गया। 2019 के लोकसभा चुनाव में ये अंतर 3 लाख से ज्यादा का था, जिसके चलते बीजेपी के नेता इस सीट को सबसे ज्यादा सुरक्षित मानकर चल रहे थे, लेकिन राज बब्बर के सामने राव को ये सीट जीतने में अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा। राज बब्बर को कांग्रेस ने अंतिम समय पर चुनाव मैदान में उतारा था। अगर उन्हें 1 महीने का समय और मिल जाता तो शायद राव इंद्रजीत के लिए जीत और भी ज्यादा मुश्किल हो जाती। बता दें कि गुड़गांव सीट से राज बब्बर ने राव को कड़ी चुनौती दी है। शुरुआत में काफी समय तक राज बब्बर आगे चलते रहे, लेकिन शाम होते होते नतीजे बदल गए। बहरहाल राव के इस बयान ने ये साफ कर दिया है कि इस बार जनता ने मोदी के चेहरे और बीजेपी की नीतियों पर वोट नहीं दिया। अगर वो जमीन पर उतरकर जनता के बीच चुनाव प्रचार नहीं करते तो वो ये सीट जीत नहीं पाते। डीबी लाइव की रिपोर्ट।